हेलो, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल विजिबल जी। अंजलि वैष्णवी, ये अंजलि कहाँ हूँ आजकल? जी सौम्या, एकता, वैष्णवी, ये और भी लोग आएंगे, स्टार्ट कर लिया जाए। कृषानु भाई, कृषानु आप भी बहुत दिन बाद हो। जी उमा जी पूछ रही हैं, सर पूरी सीपीसी कराएंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल पूरी कराऊंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम फैजान खान। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एंड माय प्राइम एरिया ऑफ प्रैक्टिस इज एनसीएलटी, डीआरटी एंड दिल्ली हाई कोर्ट इन कॉर्पोरेट लॉ मैटर अंडर आईबीसी, कंपनीज एक्ट एंड अदर स्टेट्यूट्स। तो सभी लोगों से बोलूंगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ आगे की चीजें स्टार्ट कर लेता हूं। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सेक्शन 34 इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में सारी चीजें बता दी थी। अब उसके बाद हमने बात करी थी, इंटरेस्ट भी पढ़ लिया था और कॉस्ट भी पढ़ लिया था। 35A की जो कॉस्ट है उसके बारे में भी मैंने बात की थी आप लोगों से। कॉम्पनसेटरी कॉस्ट और 35B कॉस्ट फॉर डिले। कॉस्ट फॉर डिले दोनों चीजों के बारे में मैं आप लोगों से बात कर चुका था। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं एग्जीक्यूशन के बारे में। सर एग्जीक्यूशन क्या होता है? तो आप लोगों को एक बार बेसिक प्रोसीडिंग बता देता हूं और उसके बाद हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। भाई ये प्लेंटिफ है, यानी कि दो लोग हैं। सपोज करो ये ए है और ये बी है। इन दोनों के बीच किसी भी मैटर पर डिस्प्यूट है। ये प्रॉपर्टी है जो इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट का मैटर है। इस केस में मिस्टर ए कोर्ट को अप्रोच करते हैं। मिस्टर ए कोर्ट को अप्रोच करते हैं। कोर्ट को अप्रोच करने के बाद जिस डॉक्यूमेंट में ये अपनी बातें एक कोर्ट को बताते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेंट। और उसके बाद कोर्ट जो है ये सारी बातें सुनने के बाद यहां बी को कॉल करता है, जिसे हम बोलते हैं समन। फिर उसके बाद बी जो है यहां कोर्ट में जाके अपनी बातें बताता है। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू बी अपनी बातें बोलता है इसे हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट, WS। फिर एक दिन दोनों पार्टीज, ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी, ये दोनों लोग कोर्ट के सामने जाके अपियर होते हैं और इनका एग्जामिनेशन किया जाता है। इनका एग्जामिनेशन किया जाता है और एग्जामिनेशन करने के बाद कोर्ट इन दोनों के बीच के रियल डिस्प्यूट पर, इन दोनों के बीच के रियल डिस्प्यूट पर इशू फ्रेम कर देता है। इशू फ्रेम करने के बाद कोर्ट फाइनली जजमेंट देता है और डिक्री देता है। जजमेंट देता है, डिक्री देता है। मैंने ये आप लोगों को एक ब्रीफ बताया ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊं अब एग्जीक्यूशन क्या है। देखो ये जजमेंट आ गया, डिक्री आ गई और अब हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन की, यानी कि
इस डिग्री को एनफोर्स कराना, इस डिग्री को एनफोर्स कराना ही एग्जीक्यूशन होता है। मतलब सर भाई ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, जहां ए ने अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करी बी के अगेंस्ट में, यहां ए के फेवर में जजमेंट आ चुका है, डिग्री मिल चुकी है, अब ए को ये घर लेने के लिए दोबारा से कोर्ट को अप्रोच करना होता है कि सर ये प्रॉपर्टी अब मुझे दिलवा दीजिए। यानी कि कोर्ट जो है बी को ऑर्डर कर देती है वैकेट कर दीजिए, इसी तरह अगर बी वैकेट नहीं करता है तो अथॉरिटीज को बोल देती है, पुलिस को बोल देगी, एसडीएम को बोल देगी कि प्रॉपर्टी खाली कराओ और मिस्टर ए को हैंड ओवर करो। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन का प्रोसेस चलता है। अब इसी से रिलेटेड हम धीरे धीरे करके सेक्शन 36 के बारे में बात करते हैं। देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जीक्यूशन से डील करती हैं, मेजरली ऑर्डर 21 डील करता है एग्जीक्यूशन से, जिसमें 106 रूल्स हैं एग्जीक्यूशन के। मगर अब जब हम बात करेंगे इसके बारे में, ऑर्डर पढ़ेंगे सीक्वेंस में, तब इसके बारे में बात कर लेंगे। मगर अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सेक्शंस पढ़ा देता हूं, भाई कहां क्या क्या सेक्शन में लिखा है। जब हम लोग डिटेल में बात करते हैं तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में जब प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूं अकेडमी पे, वहां हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 36 की। भाई सेक्शन 36 क्या कहता है? ये कहता है एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। अगर आप मार्जिनल नोट देखेंगे, बेयर एक्ट का हेडिंग देखेंगे, तो वहां आपको कहता हुआ नजर आएगा एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। इसका क्या मतलब है? तो आपको ये सेक्शन 36 को पढ़ने से पहले यह भी देख लेना चाहिए, यहां पार्ट टू में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन 36 आता है। इसका मतलब ये है, ये कहते हैं जो सीपीसी के प्रोविजन है रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जो डिक्री के एग्जीक्यूशन पे लगेंगे। भाई प्रोविजन है जो डिक्री के एग्जीक्यूशन पे लगेंगे, वो किस पे भी लगेंगे, वो ऑर्डर जब दिया जाएगा तो उसके भी एग्जीक्यूशन पर लगेंगे, ऑर्डर भी इसी तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाएगा और इसी तरीके से क्या पेमेंट भी एग्जीक्यूट कराया जाएगा। मतलब सर बात समझ नहीं आई। ये कहते हैं भाई ऑर्डर 21 में लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अभी हम सेक्शन 37 की बात करेंगे और आगे की सेक्शन की बात करेंगे तो वहां नजर आएगा डिक्री। तो ये कहते हैं भाई ये मान के चलना, ये डिक्री के साथ साथ ये जो ऑर्डर 21 के प्रोविजन है, ये डिक्री के साथ साथ ऑर्डर पर भी लगेंगे। डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आप लोगों को एक ब्रीफ पॉइंट दे चुका हूं, मगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डिक्री पर भी प्रोविजन लगते हैं और ऑर्डर पर भी प्रोविजन लगेंगे ऑर्डर 21 के। ये बात आपसे कौन सा सेक्शन कहता है? ये बात आपसे कहता है सेक्शन 31। जैसे कि सपोज करो इंजंक्शन ऑर्डर पास हुआ, तो सर इंजंक्शन ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा? तो इस केस में ये कहते हैं भाई ऑर्डर 21 के प्रोविजन ही लगेंगे इंजंक्शन ऑर्डर पर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आगे की बात कर लेते हैं। देखो आप लोगों को सेक्शन 37 में एक डेफिनेशन दी गई है, ये कहते हैं कोर्ट विच पास्ड अ डिग्री। किसे माना जाए कि डिग्री जो है पास की है? अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता है, सर ये बताओ ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही क्या पड़ी थी, ये डेफिनेशन क्यों लिखी जा रही है कोर्ट विच पास्ड अ डिग्री। यहां बड़ा सिंपल सा हमने पढ़ा, ए ने केस फाइल किया कोर्ट में, बी को बुलाया गया, डिग्री दोनों को एग्जामिन किया गया, इश्यू फ्रेम हुआ, जजमेंट पास हुआ, डिग्री आई और उसे एनफोर्स करा रहे। मगर इस बीच में हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, भाई हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये जो कोर्ट है ये इस एरिया में है, सपोज कर लो ये पूरा एरिया है कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। इस केस में यहां बी जो है एप्लीकेशन फाइल कर दे, किससे रिलेटेड? ट्रांसफर से रिलेटेड, यानी कि कोर्ट टू में केस ट्रांसफर हो जाता है। भाई ये कोर्ट वन था, ये कोर्ट टू हो गया, यहां केस ट्रांसफर हो गया, या फिर
यहां डिग्री पास कर दी गई, उसके बाद इससे रिलेटेड अपील चली गई, अपील चली गई, तो अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर पास किया या डिग्री पास की तो उस केस में। इसलिए इन सारी सिचुएशन को कवर करते हुए सेक्शन 37 आपसे कहता है कोर्ट विच पास्ड अ डिग्री का मतलब क्या है। इसका मतलब ये कहते हैं सबसे पहले कि क्या होगा, ऑफ कोर्स जिस ओरिजिनल कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने ओरिजिनली डिग्री पास की है वो तो होगा ही। कोर्ट विच ओरिजिनली पास्ड अ डिग्री वो तो होगा ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जिसने डिग्री पास की है वो कोर्ट तो कवर होगा ही। इस केस में सेकंड वाले पॉइंट में मिलता है आपको, अगर एपीलेट कोर्ट है, अगर एपीलेट कोर्ट है तो उस केस में डिग्री पास की गई किसे मानेंगे, तो ये कहते हैं कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस को मानेंगे, कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस को मानेंगे कि उसने डिग्री पास की है। मतलब कि डिग्री पास हुई है हायर कोर्ट में, सपोज करो डिग्री पास हुई सिविल जज से अपील जाके डिस्ट्रिक्ट जज पे, डिस्ट्रिक्ट जज ने डिग्री पास की है, मगर फिर भी माना जाएगा कि कोर्ट कौन सा है जिसने डिग्री पास की है, ये अपीलेट कोर्ट ना होके वो सिविल जज का केस है। बोले सर ऐसा क्यों है, देखो जितना लोअर लेवल पे आप जाओगे ना डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए उतनी आसानी से डिग्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसे सारी चीजें पता होंगी, तो इसलिए एपिलेट कोर्ट को इस मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस माना जाएगा उस केस में, ठीक है। तो एपिलेट कोर्ट ने अगर डिग्री पास की है तो उस केस में कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस माना जाएगा, ठीक है। यहां आपको सेक्शन 37A में लाइन मिलती है, वेयर द डिग्री हैज टू बी एग्जीक्यूटेड हैज बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है भाई। एपीलेट कोर्ट ने डिग्री पास की है, कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस उसे माना जाएगा, जैसे कि कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस ने वो डिग्री पास की है, ठीक है भाई। अपील और एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कहां लगती है एपीलेट केस में, ये हम बाद में बात करेंगे, मगर अभी सेक्शन 37 में कहता है अगर एपीलेट कोर्ट ने जजमेंट में डिग्री पास की है किसी के फेवर में तो उसे कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस माना जाएगा, यानी कि उस डिग्री को माना जाएगा जैसे कि लोअर कोर्ट ने ही डिग्री पास की है। अब उसके बाद इससे रिलेटेड थर्ड वाला पॉइंट, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई सपोज करो ये ज्यूरिसडिक्शन है किसी कोर्ट का, ये ज्यूरिसडिक्शन है किसी कोर्ट का, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, ये वाला एरिया कोर्ट टू को ट्रांसफर हो गया, एरिया ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब कोर्ट टू का ज्यूरिसडिक्शन है इस पर, पहले कोर्ट वन का ज्यूरिसडिक्शन हुआ करता था, अब कोर्ट टू का इस पर ज्यूरिसडिक्शन है। अब ये कहते हैं इस केस में डिग्री जो है वो कैसे माना जाएगा कि किसने पास की है, तो ये कहते हैं इस केस में दोनों कोर्ट के पास इक्वल राइट होगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री दोनों कोर्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको सेक्शन 37 की एक्सप्लेनेशन कहती है, ठीक है। क्या कहती है भाई, कोर्ट वन था और कोर्ट टू था, यानी कि ये एरिया जो है कट कर किसे ट्रांसफर हो गया, भाई यहां ट्रांसफर हो गया कोर्ट टू को, तो उस केस में यहां कोर्ट वन और कोर्ट टू दोनों के पास पावर होती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे 37 की तो ये कहते हुए नजर आती है द कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस does not cease to have execution of a degree merely on the ground of institution of suit wherein decree was passed or decree or after the decree any area has been transferred, ठीक है। यानी कि सिर्फ एरिया ट्रांसफर हो गया इस ग्राउंड पर, इस कोर्ट वन का डिग्री एग्जीक्यूशन का राइट नहीं खत्म हो जाता इस एरिया से, इसका राइट एग्जिस्ट करेगा भले ही एरिया ट्रांसफर हो गया हो,
बोलिए क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, सेक्शन 37 क्लियर है? क्या बोलता है 37? चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 38 की। भाई देखो, ये सारे पॉइंट वो हैं जो प्री में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को हाईलाइट कर दिए, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देता हूं, तो जरूर देख लीजिएगा इसे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्शन 38 की। भाई सेक्शन 38 इस रिगार्डिंग क्या कहता है? ये कहता है भाई, कोर्ट किसके द्वारा डिक्री जो है पास की जा सकती है, कोर्ट जिसके द्वारा डिक्री एग्जीक्यूट की जा सकती है। ये कहते हैं इस केस में जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है या फिर किसी अदर कोर्ट को कोर्ट वन ने डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रांसफर की है। भाई यहां कोर्ट वन ने डिक्री जो है ट्रांसफर कर दी किसे? कोर्ट टू को। किस लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसके द्वारा भी एग्जीक्यूट की जा सकती है। सर क्यों करेगा? भाई जब कोर्ट वन के पास, कोर्ट वन ने पूरा केस सुना, सारी चीजें सुनी, अब एग्जीक्यूशन पे ऐसा क्या हो गया कि वो कोर्ट टू को अपनी डिग्री ट्रांसफर कर रहा है? तो इसके रिगार्डिंग आपको कंडीशन मिलती है सेक्शन 39 में, जो बताता है कि ट्रांसफर ऑफ डिग्री कब की जा सकती है। तो इसके रिगार्डिंग ये कहते हैं, अगर किसी केस में प्लेंटिफ जो है वो रिजाइड करता है या फिर कैरी ऑन बिजनेस करता है किसी अदर जगह, ठीक है, तो यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है, यहां इस केस में जो जजमेंट डेटर है, जो जजमेंट डेटर है वो रिजाइड करता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है या फिर वर्क फॉर गेन करता है किसी अदर कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में, तो उस केस में यहां डिग्री ट्रांसफर की जा सकती है। या फिर कोर्ट वन के लोकल लिमिट में, भाई कोर्ट वन जो था हमारे केस में, इसके लोकल लिमिट में इस जजमेंट डेटर की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। लोकल लिमिट, नो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, इसलिए उसने ट्रांसफर कर दी। इसके अलावा क्या है? वे इसलिए कि डायरेक्ट सेल की जा सके या फिर डिलीवरी की जा सके इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कि आउटसाइड एरिया में सिचुएटेड है, यानी कि यहां मिस्टर बी के अगेंस्ट अगर प्रॉपर जजमेंट डेटर है मिस्टर बी किसी केस में, यानी कि उनके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है, तो उस केस में ये कहते हैं कि दूसरे एरिया में जो मिस्टर बी की प्रॉपर्टी है उसकी सेल की रिगार्डिंग भी यहां डिग्री को ट्रांसफर किया जा सकता है। और साथ में कहते हैं जब कोर्ट वन ये काम करेगा तो साथ में अपना रिकॉर्ड इन रीजन इन राइटिंग भी देगा, ठीक है। इसके अलावा एक और भी पॉइंट है जो प्री में अक्सर पूछा जाता है, ये याद रख लीजिएगा। यहां डायरेक्ट अदर एरिया में ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्टली कैन नॉट ऑप्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ डिग्री, डायरेक्टली कैन नॉट ऑप्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ डिग्री, फॉर ट्रांसफर ऑफ डिग्री। देखो बड़ा कॉमन सा लॉ है, जिस तरह से किसी पर्सन को दूसरे एरिया में अप्रोच करने का राइट नहीं दिया जाता, सीनियर जज को अप्रोच करने का राइट नहीं दिया जाता जब तक कि आप अपनी लोअर कोर्ट की रेमेडी एग्जॉस्ट ना कर लें, इसी तरीके से कोर्ट वन से कहते हैं तुम्हें भी काम चोरी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे एरिया में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है
तो पहले आप उसे एनफोर्स कराइए, उसे एग्जीक्यूट कीजिए, उसे एग्जॉस्ट कीजिए। जब वो हो जाए तब आप कोर्ट टू को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको कहाँ मिलती है? तो ये बात आपको सेक्शन 39 के क्लॉज 4 में लिखी हुई नजर आएगी। बोलिए क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? सेक्शन 39 क्या कहता है? ये सारे पॉइंट वो हैं जो प्री में पूछे जाते हैं, भर भर के आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट है जो सेक्शन 39 के क्लॉज 2 में मिलता है। ये कहता है कि ये कोर्ट 1 जो है ना, अपने मोशन पे भी डिक्री ट्रांसफर कर सकता है, ओन मोशन। जी बिल्कुल। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 40 की। तो ये कहते हैं सेक्शन 40 में आप ऐसा नहीं है, कोर्ट 1 जो है प्रॉपर्ट, यहां कोर्ट 2 को यानी कि अपने पड़ोसी कोर्ट को ही, ऐसा नहीं है सिर्फ नेबरिंग कोर्ट को आप जो है डिग्री ट्रांसफर करने के लिए दे सकते हैं, बल्कि कोर्ट 1 डिग्री ट्रांसफर किसे दे सकता है? किसी अदर स्टेट में भी ट्रांसफर करने के लिए दे सकता है। नॉट ओनली इन नेबरिंग कोर्ट बट ऑल्सो इन अदर स्टेट कोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूपी के यूपी में, भाई यूपी के अंदर कोर्ट 1 है और यहां कोर्ट 2 है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ यहां का प्रोविजन है। सेक्शन 40 कहता है कि यूपी का कोर्ट 1 जो है वो क्या कर सकता है, वो कर्नाटका के कोर्ट 2 को यहां प्रॉपर डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए भेज सकता है। इससे रिलेटेड आपका कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 40 डील करता है। सेक्शन 41 इसमें एड ऑन करते हुए कहता है जब डिग्री भेजी जाएगी तो ये जो डिग्री एग्जीक्यूट करने वाला कोर्ट है ये सर्टिफाई करके कोर्ट 1 को बताएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका सेक्शन 41 डील करता है। तो ये पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को बताए यहां सेक्शन 41 42 से रिलेटेड। अब इसके बाद हम बात करेंगे पावर टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की, सेक्शन 42। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो इस केस में बस कुछ पॉइंट है जो आप हाईलाइट कर लीजिएगा जो अक्सर पूछे जाते हैं। ये कहते हैं सेक्शन 42 के अंदर यहां कोर्ट 1 और कोर्ट 2 दोनों के पास सेम पावर होगी, सेम पावर होगी, यानी कि जो ट्रांसफरी कोर्ट है उसके पास भी इक्वल पावर होती है जैसे कि कोर्ट 1 के पास होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है सेक्शन 42 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ नजर आएगा, लिखा नजर आएगा सेम पावर इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिग्री इफ हैड बीन पास्ड बाय इटसेल्फ। वे ऐसा माना जाएगा जैसे कि इस कोर्ट 2 ने ये डिग्री खुद पास की है। ये बात आपको सेक्शन 42 के क्लॉज 1 में मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 42 का क्लॉज 2 आपको मिलेगा। ये कहता है इस केस में कि कहां कहां आप डिग्री कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये कहते हैं इस कोर्ट के पास पावर होती है टू सेंड डिग्री, सेंड दी डिग्री, एग्जीक्यूट डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूट डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर साथ में अटैचमेंट। मतलब सर ये कहते हैं भाई एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास क्या क्या पावर होती है, तो वो भी ये कोर्ट 2 भी किसी कोर्ट 3 को
यहां बता सकता है कि भाई मैंने कोड टू हूं, मुझे डिग्री रिसीव हुई थी, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं क्योंकि तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो, मेरे एरिया में जितनी प्रॉपर्टी थी मैं इसे एग्जॉस्ट कर चुका हूं। यानी कि कोड टू ट्रांसफर कर सकता है कोड थ्री को, एग्जीक्यूट कर सकता है जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, और अटैचमेंट भी कर सकता है। यहां एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो आपको मिलेगा क्लॉज फोर में। क्लॉज फोर का जो पॉइंट ए है ये इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं क्या एग्जीक्यूटिंग कोड कोड टू और या फिर कोड थ्री, क्या यहां ट्रांसफरी ऑफ डिग्री की एप्लीकेशन पर यहां एग्जीक्यूट कर सकता है? तो आंसर इज क्लियर नो। ठीक है, यहां ये कहते हैं अगर डिग्री ट्रांसफर की है मिस्टर ए ने, सपोज करो किसी पर्सन को जो मिस्टर डी हैं या जेड हैं, तो उस केस में जेड की एप्लीकेशन पर यहां ट्रांसफरी की एप्लीकेशन पर कोर्ट टू और कोर्ट थ्री डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। देखो लिखा हुआ है क्लॉज फोर की लैंग्वेज देखोगे आप तो लिखा हुआ मिलेगा नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर ऑन द कोर्ट टू विच अ डिग्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि कोर्ट टू और कोर्ट थ्री की बात हो रही है, पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ डी डिग्री, एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ डिग्री। यानी कि भाई पूरा केस लड़ा किसने, मिस्टर ए ने, मिस्टर ए के फेवर में डिग्री दे दी कोर्ट वन ने, मिस्टर ए के फेवर में दे दी। मिस्टर ए को लगा यार मैं प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कराने जाऊंगा टाइम लगेगा, यहां प्रॉपर्टी तो मुझे मिल ही जाएगी, मैंने प्रॉपर्टी जो है इन्होंने ये डिग्री जो है ट्रांसफर कर दी मिस्टर जेड को। क्या सर डिग्री जो है ट्रांसफर की जा सकती है? बिल्कुल ट्रांसफर की जा सकती है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में सोगा में डिग्री को एक मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। विट्ठल दास का इस पर केस लॉ भी है। ठीक है, यानी कि डिग्री ट्रांसफर की जा सकती है। अब मैं ये कहता हूं यहां जेड के पास क्या है, डिग्री है। कोर्ट 1 ने क्या किया, कोर्ट 2 को डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए दे दी मिस्टर बी के अगेंस्ट, और या फिर कोर्ट टू ने सेम अपनी पावर है जैसे कि उसने खुद डिग्री पास की हो, तो कोर्ट थ्री को यहां जो है डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए दे दी। यहां मिस्टर जेड ना ही कोर्ट टू में और ना ही कोर्ट थ्री में, दोनों में एप्लीकेशन देकर एग्जीक्यूट नहीं करा सकते डिग्री। ठीक है, यानी कि कोर्ट टू और कोर्ट थ्री ट्रांसफरी की एप्लीकेशन पर डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। बोलिए क्या ये पॉइंट समझ आते हैं आप लोगों को? सेक्शन 42 क्लियर है, 42 का क्लॉज 4 का ए वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री में पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों को वो पॉइंट बता दिए जो प्री में अक्सर पूछे जाते हैं आप लोगों से। बोलो जी बोलो, समझ आया? अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है जो मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूं। सेक्शन 45, सेक्शन 45 देखो, अभी मैंने आप लोगों को 45 में क्या कहते हैं, आउटसाइड इंडिया, यानी कि ऐसा नहीं है कि यूपी का कोर्ट यूपी के अंदर कोर्ट वन से कोर्ट टू को एग्जीक्यूट करने के लिए डिग्री ट्रांसफर कर सकता है, एग्जीक्यूट करने के लिए डिग्री को ट्रांसफर कर सकता है, ये बात है। फिर उसके बाद हमने इसी के रेफरेंस में सेक्शन 40 पढ़ा जो कहता है यूपी का कोर्ट वन कर्नाटका के कोर्ट टू को डिग्री ट्रांसफर कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसी के रेफरेंस में सेक्शन 45 है, ये कहता है यूपी का कोर्ट वन डिग्री ट्रांसफर कर सकता है कहां, सपोज करो युगांडा में, यूक्रेन में, या फिर रशिया में। भाई रशिया में तो ज्यादा बेहतर है, पुतिन जी से बहुत बढ़िया दोस्ती है मोदी जी की, तो बहुत आसानी से इजीली एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो यहां रशिया के कोर्ट टू को
ट्रांसफर करने के लिए दे देता है, तो आउटसाइड इंडिया भी डिग्री एग्जीक्यूट कराई जा सकती है। कितना सच है कितना झूठ है, ये पॉइंट कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो ये लॉ इतना आसान नहीं है, सेक्शन 45 अकेला इससे डील नहीं करता, बल्कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो मिस्टर बी है जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है, जजमेंट डेटर है, उसे आपको अपने देश में इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी कि अब वो पर्सन के अगेंस्ट हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, उसकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ नहीं बचती, पहले आपको ये करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी होती है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, ठीक है, यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ के, यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ के क्या है, यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पर, ठीक है। इसके ना आप लोगों को आर्टिकल मिलेंगे जो बताते हैं कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के केस में आप कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। जी अरु ने पूछा ओन मोशन का मतलब है अपने आप। भाई मैंने आपको बताया यूपी का कोर्ट, कोर्ट वन, सपोज करो एग्जाम्पल दे देते हैं भाई, गाजियाबाद का कोर्ट मेरठ जो है एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सेक्शन, सेक्शन 37 38 में हमने इसके बारे में बात की। सेक्शन 40 कहता है यूपी का कोर्ट दिल्ली या फिर कर्नाटका के कोर्ट को एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद सेक्शन 45 यूपी का कोर्ट युगांडा, रशिया, यूक्रेन, किसी भी कंट्री को आप मान सकते हो, वहां डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 45 इस पे अकेला नहीं लगता, ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को यहां क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी बता दी, आपके प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट में लिखी हुई कितनी बातें सच्ची हैं, बाकी की बातें डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है। अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए, वहां फैजान 92 कोड के साथ ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आए, पसंद आए। इसी तरीके से कल की क्लास में मैं आपसे प्रीसेप्ट्स डिक्लेयर डिस्कस करूंगा, और उसके बाद क्वेश्चन डिटरमाइंड बाय लॉ जो है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वो भी बात करूंगा, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में कल बात करेंगे, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहे हो, और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से जो डिस्कस किया है मैं आप लोगों से बोलूंगा एक बार बैठ के लिखकर जरूर देखिएगा, शुरू से लेकर एंड तक के सेक्शंस लिखकर देखिए, तो आप लोग एक दिन ऐसा होगा कि पूरा बेयर एक्ट अपने हाथों पर लिख पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।